बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, हम रिमेनिंग टेंस जो हमारी हैं, टेंस ऑर्गन, उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भरपूर दिलचस्पी के साथ सुनेंगे कि कुदरत ने हमें ये जो सेंस ऑर्गन दिए हैं, ये हमारी नॉर्मल लाइफ गुजारने में कितने अहम रोल करते हैं, कितना अहम इनका किरदार होता है। इसके बगैर जो है ना, इंसानी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजर सकती। ये हम सब जानते हैं कि अगर बेनाई मुतासर हो जाए, आँखों में कोई बीमारी पैदा हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कोई स्ट्रक्चरली डैमेज पहुँच जाए, तो बेनाई मुतासर होती है। आँखों में कोई और इन्फेक्शन हो तो इंसान देख नहीं पाता है सही तरीके से। कानों में जनाब जो है ना, कोई कुदरती तौर पे या हादसाती तौर पे कोई ऐप पैदा हो जाए, कोई नुक्स पैदा हो जाए, तब भी समाज जो है ना मुतासर होती है। कितना यानी इम्पॉर्टेंट है ये सेंस ऑर्गन हमारी ज़िंदगी में। तो उसके बाद जब हम आते हैं दीगर सेंसेस की तरफ, तो थर्ड जो सेंस यहाँ डिस्कस की गई है वो है टेस्ट, जायका। क्या ख्याल है कि हमारे ये जो सेंस है, सेंस ऑफ टेस्ट, ये मुतासर हो तो क्या होगा? तो फिर ये होगा जनाब कि जो हमारी ज़िंदगी की रौनक जो है, जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर टेस्ट करते रहते हैं खानों के, वो नहीं कर पाएंगे। तो ज़ुबान जो हमारी कुव्वत गोयाई में भी किरदार अदा करती है, बोलने में जो है ना, स्पीच पावर जो है ना, उसमें इसका बड़ा रोल है। वहाँ पर ये हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाने में इसलिए अहम है कि जो मुख्तलिफ़ नए किस्म के रंग बिरंगे खाने जायके के बाद से हमें जो मिलते हैं हमारे अहले खाना, हमारी जनाब ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ या दीगर अफराद, शेफ, बावर्ची, वो तैयार करते हैं, हम उन खानों को खाते हैं। हमारे खानों में जनाब कुक फूड भी शामिल है और जो है अनकुक फूड भी शामिल है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड कन्फेक्शनरी, टॉफियाँ, बिस्किट्स, जूस, ड्रिंक्स, ये सब, इन सब का जो कोई भी ईटेबल्स हैं, अशिया, खुर्दनोश हैं, उनका ताल्लुक जो है ना ज़ुबान से बन जाता है। वो तो टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़ुबान जहाँ हमें जायके में बड़ा रोल प्ले कर रही है कुव्वत गोयाई के साथ साथ, वो हमें ये भी जो है ना हेल्प करती है कि हम खानों को ज़ुबान की वजह से, ज़ुबान पे टेस्ट करके बता सकते हैं कि खाना का मियार क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या ये खाना जो हमें दिया गया है ये फ्रेश है, ताज़ा है, या जनाब ये एक्सपायर हो चुका है, बासी है, या जनाब ये खाने में नमक बहुत ज़्यादा हो गया है, नमक कम है, मीठा तेज़ है, हल्का है, ये जो चीज़ हमें खाने को दी गई है ये बहुत ज़्यादा खट्टी है, दही बहुत खट्टी है, मीठी है, तो ज़ुबान से पता लगता है कि तुर्श है या जनाब मीठी है, नॉर्मल है। तो ज़ुबान हमें मुख्तलिफ़ ज़ायके बताती थी बच्चों। तो इसमें आज हम इस ज़ुबान ही के बारे में, मतलब इसका टेस्ट का फंक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जनाब टेस्ट के जो बड्स हैं, टेस्ट बड, ये कितनी टाइप्स के होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है टंग में, और जनाब यानी ये इसकी वर्किंग टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट की तरफ चलते हुए। तो पहले तो हम वीडियो देखेंगे एक मालूमाती, ताकि हम जनाब वीडियो को देख के बहुत लर्न करें और फिर इस टॉपिक की तरफ भी आ जाएँ। Smile and learn. Today, we're going to learn about the sense of taste. Have you noticed how salty this popcorn is? Or how sour this lemon is? Why do foods taste differently? All this is possible thanks to the sense of taste. The sense of taste allows us to identify and learn how foods taste. The tongue is the sensory organ responsible for tasting.
The tongue is covered with bumps called taste buds, also known as papillae, in charge of collecting information about different tastes and send it to the brain through the taste nerves. There are different types of taste buds grouped in separate parts of the tongue. The basic tastes that taste buds are able to identify are 5: sweet, salty, bitter, sour, and umami. That's it, you heard it right. Umami is the word we use to refer to incredibly delicious foods. The taste buds for sweet are on the tip of the tongue. The salt buds are on either side of the tongue. And the bitter taste buds are in the center of the back of the tongue, near the throat. The umami buds are in the middle of the tongue. The sour buds are located on either sides and lower part of the tongue. There are many hints of flavors and savors produced by combining these 5 basic tastes. Did you know that the sense of taste and hearing communicate? That's why when we have a cold, food doesn't taste as good as it normally does. How interesting, right? Imagine eating this fruit. When we put it in our mouth, chemical substances in the apple communicate with the taste buds on the tongue. The taste buds transmit this information to the brain through the taste nerves. The brain is in charge of recognizing the type of taste and decide whether we like what we're tasting or not. Yum, this apple is so sweet. I love it. Yikes, this lemon is so sour. I don't like it at all. We experience tastes differently. That's why, even though one group of people may like the same food, another totally dislikes it. The sense of taste also helps to protect our health from foods that have gone bad. If these foods don't taste right, our brain will send signals to stop eating them. The sense of taste is amazing and essential for life. Don't you think so? Did you like the video? We have so many more! Subscribe by clicking on the seal. Ah, and if you want to keep watching more videos, click on the boxes. Hey, welcome back. Today, we have seen a video. We have seen how our tongue is working with zaqqos. और हमें जो है ना डिफरेंट फ्लेवर के बारे में एहसास दिलाती है। तो टेस्ट की ये पैराग्राफ एक दिया हमारा टेक्स्ट बुक में, इसको हम रीड भी करेंगे ताकि आप रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी परेशानी महसूस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट इज द सेंस दैट लेट यू डिटेक्ट फ्लेवर। टेस्ट जायका वो सेंस है, वो हिस्सा है हमारे जिस्म की जो हमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स के बारे में, खाने पीने की मुख्तलिफ जायकों के बारे में बताती है। हैव यू लुक एट द सरफेस ऑफ योर टंग, क्या कभी आपने अपनी ज़ुबान को देखा है, किस जुबान को आईने में या थोड़ा ज़ुबान जितनी बाहर वो निकल सकती है उसको देखा है आपने, उसकी सरफेस को, उसकी सतह को देखें ज़ुबान की, तो हमें इससे डेफिनेटली कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। योर टंग इज कवर्ड विद टाइनी बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। हमारी जुबान पे छोटे छोटे से उभार होते हैं, बम्प्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स हैव टेस्ट रिसेप्टर। इन टेस्ट बड्स में टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी सेल पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट के लिए बनाए गए हैं, इन्हें टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं। टेस्ट रिसेप्टर कैन डिटेक्ट फोर बेसिक टेस्ट। टेस्ट रिसेप्टर जो हैं, जो हमारे टेस्ट बड में हैं, ये 4 किस्म के बेसिक टेस्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसका खोज लगा लेते हैं, पता कर लेते हैं। वो 4 टेस्ट बेसिक कौन कौन से हैं? स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर। जी, मीठा जायका, सोर, तुर्श जायका, खट्टा जायका, खाने में सॉल्टी, नमकीन और बिटर यानी कि कड़वा जायका। इसका जो है ना अंदाज़ा इन टेस्ट
बट की बदौलत हमारी जुबान पे हमें हो जाता है। दीज रिसेप्टर सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन विच इंटरप्रिट देम एज अ पर्टिकुलर टेस्ट। ये रिसेप्टर जो होते हैं, ये पैगामात जो होते हैं, उनको दिमाग तक पहुंचाते हैं और द ब्रेन जो होता है वो उनको फिर भी अंडरस्टैंड करके ट्रांसलेट करता है, हमें शऊर देता है, एहसास दिलाता है कि ये ख़ास जायका है जो हम जो चीज़ हमने ज़ुबान पे रखी है खाने की, जो ज़ुबान पे हमने उसको टच किया है, तो उसके जो खाना है असल में उसमें क्या है, उसमें होते हैं केमिकल मॉलिक्यूल जो हैं वो जैसे ही टेस्ट बड से कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इसमें वो जज़ब हो जाते हैं, किस्म के डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो फिर जनाब केमिकल मॉलिक्यूल जो हैं टेस्ट बड के सेंसरी सेल के ज़रिए ब्रेन तक पहुँचते हैं और फिर ब्रेन जो है ना उस ख़ास जायके को, पर्टिकुलर टेस्ट को डिटेक्ट करने के बाद इंटरप्रेट करके बताता है कि ये फलां जायका है। फिगर 3.4 हमारे सामने है बच्चों, इसमें ज़ुबान जो है ना वो बाहर निकली हुई दिखाई गई है। इसमें लार्ज टेस्ट बड है जो लेबलिंग में नज़र भी आ रहा है आपको कर्सर में, ये यहाँ पर लेबल आप देख रहे हैं कि लार्ज टेस्ट बड्स ये हैं और स्मॉल टेस्ट बड भी हैं। ज़ुबान के पिछली तरफ जो हलक की तरफ है ज़ुबान की, जहाँ पर जनाब जनक रूट है, उस तरफ लार्ज टेस्ट बड होते हैं और ज़ुबान के तकरीबन आप मिडल रीजन में वस्ती हिस्से में आपको बेशुमार छोटे छोटे टेस्ट बड नज़र आएंगे। जी स्टूडेंट, हमने ये जो है ना टेस्ट के बारे में एक वीडियो भी देखी, ये मालूम हुआ कैसे जनाब जो है हमारी ज़ुबान वो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करती है। तो हम आप टेक्स्ट बुक को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मालूमात दी गई है। टेस्ट इज द सेंस दैट लेट यू डिटेक्ट फ्लेवर्स, जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं टेस्ट जो है ना वो सेंस है ज़ुबान की बदौलत कि ये हमें जायकों के बारे में बताती है। हैव यू लुक एट द सरफेस ऑफ योर टंग, क्या कभी आपने अपनी ज़ुबान की सतह को देखा है। योर टंग इज कवर्ड विद टाइनी ऑब्जेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे टेस्ट के बारे में। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे पास दो और सब टॉपिक हैं, उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, पॉइंट टू पॉन्डर है, डू यू नो भी है। तो चलें ने देखते हैं अबाउट द टेस्ट। पॉइंट टू पॉन्डर को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो तलब गौर तलब जो बात है वो क्या है। इट इज़ अ मिथ दैट डिफरेंट टेस्ट कम फ्राम डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग। ये एक गलतुल आम बात है, परसेप्शन है कि मुख्तलिफ जायके जो हैं ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं ज़ुबान के मुख्तलिफ जायकों के पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब जो है ना काम कर रहते हैं। सो वेयर आर टेस्ट डिटेक्टेड ऑन द टंग, तो ज़ुबान की सरफेस पर वो कौन सी पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं जहाँ पर ये जायके जो हैं डिटेक्ट होते हैं। तो आपने इस पॉइंट टू पॉइंटर पे गौर करना है और इसका जवाब तलाश करने की भरपूर कोशिश करनी है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी क्या है। डू योर टंग विद अ ड्राई योर टंग विद अ पेपर टॉवल and attempt to taste dry sugar or salt। ये एक छोटी सी दिलचस्प एक्टिविटी है जो आप घर पर कर सकते हैं। इसमें ये करना है कि अपनी ज़ुबान को आपने पेपर टॉवल के ज़रिए खुश्क कर लेना। अमूमन हमारी ज़ुबान जो होती है वो मरतूब होती है, मरतूब मीन गीली होती है,
हमारे लुआबे दहन की वजह से, सलाइवा की वजह से, तो हमने इसको जो है ना खुश कर लेना है ज़ुबान को। एन अटेम्प्ट टू टेस्ट ड्राई शुगर और सॉल्ट, तो हमने क्या करना है कि शुगर चीनी जो है वो ज़ुबान पे रखनी है कुछ थोड़ी सी मकदार, या नमक की रखनी है और उसको टेस्ट करना है ज़ुबान पे। जब हम रखेंगे तो हम ये देखेंगे क्या आया वाकई ही, अब हमारी जो खुश्क ज़ुबान है वो शुगर को या साल्ट की मौजूदगी को वो डिटेक्ट कर पा रही है, हमें ये एहसास हो रहा है कि हमने अगर नमक रखा है तो वाकई नमक रखा है, या शुगर जो रखी है तो उसकी मिठास हमें मालूम हो रही है। ड्राई फूड ऑन ड्राई टंग इज़ टेस्टलेस, जो ड्राई फूड होता है खुश्क फूड, सॉल्ट शुगर एनी अदर मटेरियल दैट इज इंक्लूडेड इन एटेबल्स, खाने पीने की अशिया में, अशिया खुर्दनोश में है, स्पेशली जिसको हमने खाना होता है और ड्राई फॉर्म में, उस फूड को अगर हम ज़ुबान पे रखें, ज़ुबान भी खुश्क हो तो उसका जायका हमें महसूस नहीं होगा, टेस्टलेस होगा। फाइंड आउट वाई, ऐसे क्यों होता है या हम तलाश करें। शेयर योर फाइंडिंग विद योर क्लास, तो आपने जनाब इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करनी है, रिसर्च भी करनी है कि ऐसा क्यों है कि जब हम खुश्क फूड को यह खुश ज़ुबान पे रखते हैं तो कोई जायका ही नहीं मालूम होता, तो इसका आपने खोज लगाना है। और फिर जब आप क्लास में आएंगे तो अपने क्लास फेलोज के साथ इन फाइंडिंग को, रिसर्च फाइंडिंग को आपने डिस्कस करना है ऑरली। तो जनाब हमारे सामने है, डू यू नो देर आर फोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, जी क्या हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं, चिल्ड्रन हैव मोर टेस्ट बड देन अडल्ट, बच्चों की ज़ुबान पर बनिस्बत बड़ों के ज़्यादा टेस्ट बड होते हैं। और ख़ासतौर पर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ अमूमन क्या रिवाज होता है कि जब हमारी ख़वातीन खाना बनाती हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ खाना बनाती हैं किचन में, तो उस खाने का जायका, नमक का, मिर्च का, मीठे का अंदाज़ा लगाने के लिए वो खुद भी सबसे पहले ये मतलब चखती हैं ज़ुबान से कि सही बना है, और अगर किसी और से भी इसकी तस्दीक करवानी हो तो फिर घर के बड़े फ़र्द को, अमूमन जो बुज़ुर्ग है उनको कहा जाता है कि आप जो है ना ये ज़रा चखें और बताएं कैसा बना है, कैसा इसका जायका है। तो हालांकि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, उनमें जायके की हिस बहुत ज़बरदस्त होती है, वो बआसानी और बड़ी एक्यूरेटली दुरुस्तगी के साथ बता सकते हैं जायका कैसा है खाने का बनिस्बत बड़ों के, अडल्ट के, बालिग अफराद के और बूढ़ों के, तो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, डॉग्स एंड कैट यूज देयर टंग टू क्लीन देयर फर एंड बॉडी। आपने अमूमन बच्चों मुशाहिदा किया होगा, देखा होगा कि ये जो एनिमल हैं, डॉग्स एंड कैट स्पेशली, ये क्या करते हैं, ये अपनी ज़ुबान जो है ना वो अपने जिस्म पे, खास पे, खाल पे, जो उनकी फर है, स्किन यानी जो खाल है, इसके ऊपर वो ज़ुबान जो है ना वो फेरते रहते हैं। क्यों? टू क्लीन, सफा साफ करने के लिए, ज़ुबान के ज़रिए अपनी जो है ना वो जिल्द को, जिस्म के दूसरे हिस्से को, जहाँ तक ज़ुबान उनकी गर्दन जा सकती है, उसको वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए साफ करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर वो टांग को इस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन एनिमल का एनिमल बिहेवियर है जो कुदरती तौर पे उनमें ये जो है ना पैदा हुआ है कि दे यूज़ देयर टांग टू क्लीन देयर फर एंड बॉडी, है ना। फील्ड ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा, आपको जो है ना अपने गली मोहल्लों में जहाँ पर डॉग और कैट्स नज़र आए तो उनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्टिविटी भी आपको नज़र आएगी। जैसे गर्मियों में अमूमन डॉग जो होते हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली होती है और वो जो है ना एक हाँप रहे होते हैं, तो असल में वो ज़ुबान बाहर निकली हुई है, सलाइवा है,
खुश्क होता है तो इवेपोरेटिंग होती है, कूलिंग होती है, इस तरह फिर अपना बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा हमारे सामने है फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट। मक्खियाँ जो हैं, हाउस फ्लाई स्पेशली, और बटरफ्लाइज जो तितलियाँ हैं, वो अपने पाँव के जरिए टेस्ट करती हैं डिफरेंट फूड आइटम्स। जो बटरफ्लाइज खास तौर पे आपने देखा होता है कि ये मुख्तलिफ फूलों पे बैठती हैं, ये उन फूलों में एक जूस पैदा होता है, रस भरा मादा होता है, उसे हम कहते हैं नेक्टर। नेक्टर का जो है ना ये टेस्ट बटरफ्लाइज अपने फीट के जरिए डिटेक्ट करती हैं, और जो मक्खियाँ हैं ये जिन चीज़ों पे बैठती हैं तो वो चीज़ें जो है ना उनका भी टेस्ट ये मक्खियाँ अपने फीट के जरिए ही पता लगाती हैं उस टेस्ट का, कि इनकी फीट में जो है ना बेसिकली टेस्ट डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर कुदरत ने रखी हुई है। नंबर 4, ब्लू व्हेल हैज द लार्जेस्ट टंग। जुबान की बात हो रही थी, टेस्ट की बात हो रही, तो ये मालूमात भी हमारे सामने आई कि एनिमल वर्ल्ड में जो व्हेल है, ब्लू व्हेल, इसकी सबसे बड़ी जुबान है, लंबी, लार्जेस्ट। इट वे अबाउट 2.7 टन। इमेजिन करें कि इतनी भारी जुबान है इस एनिमल की, ब्लू व्हेल, जो कि लिविंग लार्जेस्ट एनिमल शुमार होता है, जिंदा दुनिया का सबसे बड़ा जानवर इन ये व्हेल है। तो इसकी जुबान का वजन आप चेक करें तो 2.7 टन है, नॉट केजी। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो टीचिंग पॉइंट भी हमारे सामने है, जो हम टीचर की रहनुमाई में इस पे गौर करेंगे कि फूड मॉलिक्यूल अटैच विद टेस्ट रिसेप्टर व्हेन दे डिसॉल्व इन सलाइवा और वाटर। तो ये आपसे पूछा ये गया था कि जब जुबान हमारी ड्राई हो और उस पर हम जो है ड्राई फूड रख दें तो टेस्ट लेस मालूम होता है। वो टेस्ट लेस इसलिए मालूम होता है बच्चों, उसका जवाब भी हमें यहाँ से मिल गया, कि फूड मॉलिक्यूल, जब टेस्ट रिसेप्टर जो हमारे टेस्ट बड में है, ये फूड मॉलिक्यूल टेस्ट बड से जब कांटेक्ट में आते हैं तो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं टेस्ट बड में, तो ये जनाब जो है ना जब डिजॉल्व होंगे, हमारा सलाइवा अमूमन जुबान पे लगा होता है हर वक्त, जुबान हमारी गीली होती है सलाइवा की वजह से, या आप जब पानी पीते हैं उसकी वजह से भी, तो जुबान का वेट रहना सलाइवा के जरिए या वाटर के जरिए ज़रूरी है, ताकि जनाब जो है ना फूड के मॉलिक्यूल जब जुबान को टच करें तो जुबान की सरफेस वेट है, टेस्ट बड वेट हैं, मॉइस्चर है, तो वो फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सलाइवा या वाटर में डिसॉल्व होकर टेस्ट रिसेप्टर पर जनाब जो है ना वो जाके अब्जॉर्ब होते हैं, और इस तरह टेस्ट फाइंड आउट हो जाता है। ये था बेटा हमारी जनाब जो है ना इम्पोर्टेंट एक और सेंस ऑर्गन है टंग, जो हमें टेस्ट के बारे में जनाब जो है ना बताती है। तो ये था इसके बारे में टॉपिक। तो अब हमारे दो और जो है ना रह गए हैं टॉपिक, जिसमें है स्मेल और फिर है जनाब टच। सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टच, इनको हमने देखना है कि ये दो इम्पॉर्टेंट सेंस हैं, कैसे ये काम कर रही हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जनाब जो है ना हमारे की पॉइंट जो हैं चैप्टर के क्या होंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करेंगे। तो अब तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम स्मेल और टच को डिस्कस करेंगे।